जय माता रानी। आजकल कुछ बड़े नामधारी ज्योतिषाचार्य जो टीवी में भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया में भी हैं, जब मैं उनके बताए हुए उपाय सुनता हूँ तो मन में बड़ा कष्ट होता है कि इस आस्थावान समाज को किस तरीके से ये लोग भ्रमित करते हैं। ज्योतिषाचार्य या धर्माचार्य के पास वही व्यक्ति जाता है जो परेशान होता है और आस्थावान होता है। जिसकी भगवान के प्रति आस्था होगी वही व्यक्ति ज्योतिषाचार्यों से सलाह लेता है, और ज्योतिषाचार्य जब मनगढ़ंत उपाय बता करके उनको दिग्भ्रमित करते हैं तो मन में बड़ा कष्ट होता है। आखिर चंद पैसे के लिए क्यों ऐसा लोग करते हैं? मित्रों, यह पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से यह पूरा ब्रह्मांड बना है। इन्हीं 5 तत्वों का जब एकत्रीकरण होता है तो मानव शरीर बनता है। मानव शरीर में आत्मा के रूप में स्वयं परमात्मा विराजमान हो जाता है। उस परमात्मा को जानने के लिए ज्योतिष विद्या का सहारा लिया जाता है। ज्योतिष मुहूर्त गणना, काल गणना, समय गणना इनकी विद्या है। शुभ समय, शुभ घड़ी, शुभ पल में अगर ईश्वर की पूजा की जाए तो ईश्वर आपकी व्यथाओं को, संकटों को, कष्टों का निवारण करता है। यदि आप ईश्वर को खुश करने के नाम पर उल जलूल उपाय करते हैं तो आपके संकटों का निवारण तो नहीं होता बल्कि नई नई और व्याधियां खड़ी हो जाती हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह जिस भाव पर और जिस स्थिति में होते हैं वैसा ही फल उसको देते हैं। ज्योतिषाचार्य कुंडली देख करके यह अंदाजा लगा लेता है कि आखिर कौन सा ग्रह इसको पीड़ा दे रहा है और कौन सा ग्रह शुभ है, क्या उपाय किए जाएं, किस देवता की पूजा की जाए जिससे इसके कष्टों का निवारण हो। वह उपाय भी वैदिक और ईश्वरीय होते हैं, मनगढ़ंत उपाय, कपोल कल्पित उपाय नहीं होते। यह 5 तत्व हमारे कुंडली में बैठे हुए ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 तत्वों का अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे आकाश जिसमें केवल ध्वनि है और कुछ भी नहीं है, लेकिन वायु जो है उसमें आकाश का भी तत्व हो जाता है और उसमें स्पर्श और ध्वनि दो हो जाते हैं, दो गुण हो जाते हैं उसपे। अग्नि है, अग्नि में 3 गुण हो जाते हैं, आकाश की ध्वनि, वायु का स्पर्श और अग्नि दिखाई भी देती है इसलिए दृश्य उसमें बढ़ जाता है। जल तत्व में रस बढ़ जाता है, 3 तत्व वही होते हैं लेकिन 1 तत्व और जल का बढ़ जाता है, रस हो जाता है। ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, दृश्य भी है और उसमें रस भी है। और जब पृथ्वी तत्व बनता है तो पृथ्वी तत्व में 5 गुण हो जाते हैं, पृथ्वी में गंध भी है, वह 5 तत्वों से हो जाती है। इन्हीं 5 तत्वों का जो एकत्रीकरण है वह मानव शरीर है। अब यह 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह हमारी कुंडली में हमारे जन्म लेते ही बैठ जाते हैं। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व हैं, चंद्र और शुक्र जल तत्व हैं, बृहस्पति वायु तत्व हैं, बृहस्पति आकाश तत्व हैं, बुध पृथ्वी तत्व है, शनि और राहु केतु ये वायु तत्व हैं। इन सारे ग्रहों का, इन 5 तत्वों का अधिकार प्राप्त है। कुंडली में यही देखा जाता है कि कौन सा तत्व व्यक्ति के कौन सा असर कर रहा है, बुरा प्रभाव डाल रहा या अच्छा प्रभाव डाल रहा है, उसी के उपाय ज्योतिषाचार्य बताता है। और जब उसको आस्था और विश्वास से किया जाता है तो निश्चित ही लाभ मिलता है। ये 5 तत्व ईश्वर के अधीन है, ईश्वर में भेद नहीं होता। ईश्वर ब्रह्मा भी है, ईश्वर विष्णु भी है, ईश्वर माता भगवती भी है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, माता भगवती तो सर्वस्वरूपा है। सहसाष्टो वसवा सहसा एकादशा रुद्रा सहसा द्वादशा दित्या सहसा विश्व देवा सोमपा असोमपा सहसा यात उधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा सहसा सत्वरजस्तमांसि सहसा ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी सहसा प्रजापतीन्द्र मनवह सहसा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषि कला काष्ठादि रूपिणी। सारे स्वरूप संपूर्ण शक्तियां माता भगवती के अधीन है। उस भगवती पर विश्वास करके संबंधित ग्रहों का जब उपाय किया जाता है तो निश्चित ही संकटों का निवारण होता है। लेकिन उपाय के नाम पर अगर मनगढ़ंत कपोल कल्पित तरीके अपनाए जाते हैं तो लाभ की बजाय हानि होता है। इसलिए अगर आप परेशान हैं, कोई संकट है, तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाएं। ज्योतिष साधना का विषय है, ज्योतिष कभी किताबी ज्ञान से नहीं आता है, ज्योतिष के लिए साधना करनी पड़ती है। ज्योतिषाचार्य अगर साधक नहीं है, ईश्वर पे आस्थावान नहीं है तो वह कुछ भी नहीं बता पाएगा, केवल मनगढ़ंत तरीके बता करके पैसे ऐंठेगा और आपको भटकाएगा। इसलिए किसी योग्य और साधक ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी कुंडली विश्लेषण कराएं और उससे उचित उपाय जान करके अपने ग्रहों के दोषों का निवारण करें। माता भगवती निश्चित ही आपके संकटों का निवारण करेगी। लेकिन आप गलत तरीके से मनगढ़ंत उपाय, कपोल कल्पित उपाय करेंगे तो आप भटकते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ज्योतिष के माध्यम
से आपकी आस्था का ईश्वर के प्रति समर्पण करवाना है। आपकी आस्था जब ईश्वर से जुड़ जाएगी, माता भगवती में जुड़ जाएगी, तो भगवती आपके संकटों का निश्चित ही निवारण करेगी। अगर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। हमारा पितृ शक्ति धाम के नाम से आश्रम है। हम आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे जिससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। जय माता रानी, जय माता रानी।